हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पुदीना के बारे में मतलब आज पुदीना के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं पुदीना के बारे में वैसे तो लगभग सभी लोग जानते हैं और काफ़ी गार्डनिंग का शौक़ रखने वाले काफ़ी लोगों को पुदीना के बारे में लगभग काफ़ी हद तक पता ही होता है। पुदीना एक मेडिसिनल प्लांट है और रेगुलर लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। मतलब रेगुलर खाने पीने से लेकर दवाई से लेके हर चीज़ में पुदीना एक बेस्ट मेडिसिन है। वैसे तो इसका ये पुदीना मेंथॉल का जो प्लांट होता है ये उसकी जाति का पौधा है, जिसको मतलब संकरित किस्म है पुदीना। पुदीने पुदीना का नाम बोटानिकल नेम इसका मेंथा अरवेंसिस और स्पेयरमिंट, ऐसे दो अलग अलग इसके नाम हैं। लेकिन दोनों ही पौधों में बहुत डिफरेंस है और दोनों एक ही वंश के यानी कि मेंथॉल वंश के हैं। ये एक्चुअली संकरित किस्म है पुदीना। ये एक जैसे संकरित करके बनाई हुई प्रजाति है और ये एग्जैक्टली इंडिया की नहीं है। पुदीना इंडिया का नहीं है, इसे उगाया जाता है, अब इसका प्रोडक्शन बहुत होता है, लेकिन रियलिटी ये है कि पुदीना इंडिया का नहीं है। इंडिया से बाहर यूरोप, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह, चीन, जापान, यहाँ इसके मतलब सबसे पहले इनके पौधे पाए गए थे और फिर शायद नेचुरल तरीके से या फिर लोगों की तरह लगाने की वजह से धीरे धीरे ये स्प्रेड हुआ है और अब पूरे वर्ल्ड में फेमस हो चुका है पुदीना। लेकिन एग्जैक्टली ये इंडिया का नहीं है, ये बाहर का पौधा है जिसका अब इंडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ये बहुत ही काम की चीज़ है मेरे हिसाब से, जितना मुझे पता है पुदीना के बारे में। रोज़मर्रा की लाइफ में आप पुदीना यूज़ करते हैं खाने पीने में, लेकिन इसके इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं जो शायद काफ़ी लोगों को नहीं पता। जैसे कि पुदीना, अगर आप उसकी लीफ, इसका एक्चुअली लीफ ही यूज़ किया जाता है पुदीना का, लीफ अगर आप इसकी कच्ची खाते हैं रेगुलरली तो इससे आपका मुंह मुंह की स्मेल की प्रॉब्लम, दांतों की तकलीफ़ें, मसूड़ों की प्रॉब्लम उसके लिए वो ठीक होती है, कफ, गले की खांसी। उसके बाद कच्चे पुदीने को चबाने या खाने में यूज़ करने की वजह से हमारे आंतें, इंटेस्टाइन हमारा क्लीन होता है, बॉडी पूरी क्लीन होती है और बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्प्योरिटी ये सोख लेता है, निकाल देता है हमारे बॉडी से और पूरी बॉडी क्लीन करता है, डिटॉक्स कर देता है। पुदीना जो लोग रोज़ खाते हैं उनके लिए पुदीना बहुत ही हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल फूड है, ऐसा कहने में भी हरकत नहीं। क्योंकि इसको ज़्यादातर वैसे चटनियों में, रेगुलर लाइफ में लोग यूज़ करते हैं, बट इसका तो बहुत सारा यूज़ है। जैसे ये टूथपेस्ट में यूज़ होता है, च्युइंगम्स में यूज़ होता है फ्लेवर के लिए, ठंडक के लिए। उसके बाद मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है, कुछ ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आजकल पुदीना यूज़ होने लगा है, फिर कन्फेक्शनरी ड्रिंक्स में और सिगरेट पान मसाला भी, तो आप लोग को पता ही होगा खुशबू के लिए इसे डालते हैं। लेकिन मेन इसका यही है कि लगभग काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ अब रेगुलरली होने लगा है, लोग करने लगे हैं। इसमें जो ऑयल पाया जाता है, इसके लीफ में एक स्पेशल ऑयल पाया जाता है, उसको यूकलिप्टस के ऑयल के साथ मिला के बहुत सारे डिजीजेस में यूज़ किया जाता है। पेट में अगर आपकी गैस है और आपने पुदीना की कुछ पत्तियाँ चबा ली, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। ये मेरा खुद का अपनाया हुआ नुस्खा है। वैसे पौधों के बारे में जब से गार्डनिंग शुरू की है तब से मैं काफ़ी हद तक अब दवाइयों पर डिपेंड नहीं करती, मैं इन्हीं का यूज़ करती हूँ ताकि इससे मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता और मुझे उसके जल्दी रिजल्ट मिलते हैं और मन में सेटिस्फेक्शन रहता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। गर्मियों में तो पुदीना लगभग बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन नॉर्मली अब रेगुलरली काफ़ी लोग यूज़ करने भी लगे हैं। अब इसको उगाने के बारे में, जैसे अपन बोलते हैं कि इसको कैसे उगाया जाए, तो ये उगाने के लिए बहुत इजी वे में प्रॉपगेट हो जाती है। ये आप पुदीना की, ये देखिए मैंने उगाया है, आप पुदीना की डंठल ले आइए, गुच्छा ले आइए मार्केट से, और उसमें से ये देखिए कि जो ऐसी पर्पल रेडिश टाइप की जो हार्ड स्टेम्स हैं बस उनको ग्रो कीजिए। जो ये ग्रीन कलर की हैं एकदम, ये भी थोड़ी टाइट हैं, मजबूत डाल हैं इसलिए उग गई हैं, वरना ये नहीं उगती। एकदम सॉफ्ट ग्रीन स्टेम जल्दी नहीं उगती,
ये ऐसी पर्पल कलर की जो हार्ड स्टेम्स होती हैं ये ही उगती हैं जल्दी, ये जल्दी ग्रो करती हैं। आप इसमें से लीफ कट कर लीजिए और इन ब्रांचेस को पानी में डाल दीजिए, जैसे मैंने इस ग्लास में डाला है। ये पुदीना 15 दिन पुराना है, 15 दिन पहले इसको लगाया था मैंने, इसकी लीव्स निकाल ली थी और ऊपर से भी पूरा कट कर दिया था, सिर्फ डाल बची थी। उसको मैंने पानी में डालने के बाद इसमें इतनी ज़्यादा जड़ें डेवलप हुई हैं और ये पूरे नए पौधे इसमें से निकल गए हैं। अब इसको मैं सॉइल में शिफ्ट कर दूंगी तो ये अच्छे से ग्रो होना चालू हो जाएगा। इस तरीके से पुदीना लगाना बहुत आसान है, आप एक बार ले आइए, उसके बाद आपको कभी पुदीना नहीं लाना पड़ेगा। ये भी देखिए, ये भी एक स्टेम लगाई थी मैंने, ये छोटे से कम इसमें है प्लास्टिक के कप में, लेकिन ये बहुत अच्छे से फैल रहा है। ये इसमें से ये देखिए एक स्टेम निकली है, ये कितनी बड़ी हो रही है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है और इसके हर इसमें छोटे छोटे स्टेम्स रेडी हो रहे हैं। हर इसमें हर डाल के हर हिस्से में एक नया स्टेम रेडी हो रहा है जो सिर्फ इसी में से निकला है। ये भी इसका ऐसे, इसमें से मैंने बहुत सारी पत्तियाँ रेगुलरली कुछ कुछ करके यूज़ करती रही हूँ, इसलिए इसमें लीफ बहुत कम नज़र आ रही है। ये मैंने बहुत पहले बॉटल में लगाया था, इसमें से भी मैंने बहुत यूज़ किया है। और ये पुदीना मैंने ये बंच लाया था और फ्रिज में रखे रखे सूख गया, मैं ध्यान नहीं दे पाई तो मुझे लगा था ये पूरी तरह से सूख गया था, ये शायद ग्रो नहीं करेगा, बट मैंने इसे वो 3-4 दिन तक पानी में रखा। ये देखिए अभी भी इसमें सूखा सूखा पोर्शन नज़र आ रहा है, पूरा काला, ये पुराने पुदीना की लीव्स हैं और सिर्फ ये रेत है और कुछ नहीं। देखिए नए शूट्स भी अंदर से आना चालू हो गए हैं, ये रेत है, ये गीली रेत है और कुछ नहीं। और ये डब्बी के नीचे कोई छेद नहीं है, इसमें मैंने कोई, ये देखिए कोई छेद नहीं किया, ये गीली रेत को मैंने सिर्फ गीला करके इसके अंदर इसको लगा दिया था और सिर्फ इस बात का ध्यान रखा कि ये रेती सूखी नहीं, इसमें लगातार थोड़ा थोड़ा पानी डाली, जब थोड़ी खुश्क हुई इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाला मैंने और ये पूरा पुदीना उग गया, ये पूरा अच्छे तरह से इसके न्यू शूट्स आ गए। अब मैं अगर इसको मिट्टी में नहीं लगा दूँगी तो ये बहुत अच्छे तरीके से बढ़ना चालू हो जाएगा। ये मैंने सूख चुकी पुदीना की डाल को पहले पानी में डुबा के रखा 3 दिन, 3 से 4 दिन, फिर उसको मिट्टी में शिफ्ट कर दिया था। कुछ में जड़ें आई थी, कुछ में जड़ें नहीं आई थी पानी में डालने के बाद, बट गीली रेत में लगातार नमी मिलने की वजह से ये ग्रो कर गया। तो आप पुदीना के लिए ऐसे ही कंटेनर का चुनाव कीजिए, क्योंकि पुदीना ऐसे फैलता है, मतलब अगर जैसे एक डाल मर से वो उगते जाता है लगातार, वो ऐसे फैलता है पूरा। तो कम गहराई वाले चौड़े पॉट में आप लगाइए उसको, प्लास्टिक की ट्रे भी चलेगी आपके घर में। एक्चुअली मैं वेस्ट यूज़ करती हूँ, जैसे देखिए मैंने ये बर्नी यूज़ की है, ये बर्नी आधी कट करके इसको मैंने यूज़ किया है और उसमें सिर्फ मिट्टी और कंपोस्ट है घर का बना हुआ। मैं घर में कंपोस्ट रेडी करती हूँ और कभी कभी गोबर की खाद भी यूज़ करती हूँ, बट इसमें घर का कंपोस्ट और सादी मिट्टी है। कोकोपीट भी मैंने नहीं डाला क्योंकि पुदीना को बहुत नमी चाहिए, पुदीना को लगातार उसके मिट्टी में पानी बना रहे, वो हल्की ऐसी नमी, हल्की गीलापन बना रहे, ऐसा ऐसा पुदीना को एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर इसकी मिट्टी सूख गई थी, ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं, बहुत जल्दी सूख जाता है अगर इसका पानी ज़रा भी कम हुआ तो। और अगर आप लगातार इसके पानी का ध्यान रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और आप लगातार जैसे अगर आप इसी ग्रो करने के बाद आप कट कर लीजिए, उसमें से लीफ निकाल लीजिए और लीफ निकालने के बाद उस डंडी को इसी पॉट में जिसमें से आपने उसे काटा है वापस शिफ्ट रिपॉट कर दीजिए, वो भी उग जाएगा। इस तरीके से आप जितने उसके ब्रांचेस कट करेंगे, यूज़ करेंगे और लगा दीजिए, वो उगते चले जाएगा। एक ये बहुत पुराना पुदीना का मेरा पौधा है, ये तो इसमें से बहुत ज़्यादा मैंने यूज़ किया है, अभी बहुत बहुत पुराना, कम से कम 1 साल पुराना है और इसी में था, इसी में इसी प्लास्टिक के इसमें ही ग्रो हुआ है। लेकिन अब इसमें से देखिए ब्रांचेस कैसी आई है, ये यहाँ से पूरी निकलते हुए ये इतनी नीचे तक फैली हैं और ये देखिए इसमें से भी नए शूट्स पूरे आ रहे हैं, ये लगा पूरे यहाँ नीचे तक ऐसे चोटी की तरह बढ़ रहा है बहुत। और ये बहुत ही मजबूत डाल है, एकदम हार्ड हो गई है स्टेम, नाजुक नहीं रही और इसमें से भी छोटे 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 नए 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 ब्रांचेस आ रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कट करके रिपोर्ट कर दूँगी तो ये भी उग जाएगा। पुदीना की सबसे बड़ी खासियत है ये बहुत आसानी से उग जाता है और पानी का ध्यान रखो तो ये बहुत अच्छे से आपके घर में बढ़ते जाता है।
पुदीना के लिए एक ही चीज़, जैसे मौसम देखा जाए तो ये 12 महीने उगता है, इसके लिए कोई स्पेशल मौसम नहीं चाहिए। बट गर्मियाँ और सर्दियाँ इसे बहुत पसंद हैं। गर्मियों में ये इतना खेलता है, इसका डार्क ग्रीन कलर बढ़ते जाता है और ये स्पीड से बढ़ता है। और कहते हैं कि सूरज की धूप में जो पुदीना रेडी होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। सूरज की धूप से जो पुदीना की पत्तियाँ रेडी रहती हैं वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं। और धूप वैसे भी इसे बहुत पसंद है, इसे धूप में ही रखें। बस इसकी मिट्टी गीली है इस बात का ध्यान रखें तो आपका पुदीना बहुत बढ़िया चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लगातार उसे यूज़ कर सकते हैं और बढ़ते जाएगा वो। जितनी ब्रांचेस यूज़ कीजिए, कट करके लीफ निकाल लीजिए और वापस प्लांट कर दीजिए। इस मेथड से आपके पास थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा पुदीना हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इस के लिए स्पेशल पॉट लाएं। अगर आपके घर में कुछ गमले हैं जिसमें कोई दूसरे पौधे भी हैं और अगर आजू बाजू जगह है तो आप उसमें भी उसे लगा दीजिए, वो वहीं बढ़ना शुरू हो जाएगा। बस इसका धूप इसे मिले इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। और बरसात में इसके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम होता है, मतलब जैसे कि एक दिन रुक कर अगर बरसात होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हफ्ता भर थोड़ा टाइम छोड़कर रेगुलर बारिश होती है, तो ऐसे में पुदीना गल जाता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कि बाहर बरसात में मैंने इसे रखा है और लगातार 2-3 दिनों तक बारिश हुई, तो चौथे दिन देखा पुदीना पूरी तरह से गल गया। ये अधिक ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी सहन नहीं कर सकता। तो अगर बरसात में ऐसा कभी होता है, आप नोटिस करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए इसे हल्की धूप मिलती रहे, बालकनी में ऐसी जगह इंडोर इसको शिफ्ट कर दीजिए ताकि ये गले ना, जल्दी सड़े ना। और अगर रुक रुक के बरसात होती है या बहुत कम बरसात होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गले आराम से बढ़ेगा उसको, उससे कोई टेंशन नहीं। लेकिन लगातार पानी ये नहीं चाहिए, इसे कीचड़ भी नहीं चाहिए और सूख जाए बिल्कुल मिट्टी पूरी तरह से, वैसा भी ये सहन नहीं कर सकता वैसे। और डिजीज़, इसमें कोई डिजीज़ नहीं है लगता, कभी नहीं, अभी तक तो मैंने कोई इसमें पुदीना का डिजीज़, कोई कीड़े आज तक नहीं देखे, क्योंकि इसकी खुशबू में इतना मतलब पावर है कि इससे सब कीड़े दूर ही रहते हैं। मेडिसिनल प्लांट है इसलिए इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि कोई कीड़ा मच्छर इसमें नहीं आता। मेरे तजुर्बे में 1 साल से पुदीना यूज़ कर रही हूँ तो कोई बीमारी मैंने आज तक इसमें नहीं देखी। पत्ते इसके अच्छे हरे रहते हैं, आप तोड़ते जाइए, बड़े नए आते जाते हैं और ये ग्रोथ करते जाता है। अब वैसे तो आप रेगुलर इसमें जैसे इसके लीव्स यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे किसी को अगर कोई जैसे पेट में तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा, गैस तो हो रही है लेकिन दर्द हो रहा है पेट में, मैंने मेरे बच्चों को भी पुदीना दिया है, या बहुत ज़्यादा किसी को एसिडिटी हो रही है, तो आप उसे इसकी कुछ फ्रेश लीफ कट करके दे दीजिए, चबाने कहिए, थोड़ी दिनों में उसे रिलीफ, थोड़ी देर में उसको रिलीफ मिलेगा। मैंने खुद इसको आजमाया है, मेरे छोटे बच्चों को भी अगर पेट की कोई तकलीफ़ रहती है तो मैं उसे उन्हें इसी का रस निकाल कर देती हूँ और उन्हें तुरंत रिलीफ मिलता है। ये सच में बहुत यूज़फुल प्लांट है, इसे लगाना चाहिए। क्यों, अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो इसे तो अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए, ये इतनी अच्छी चीज़ है। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर बताएं, और थैंक यू अगेन।